के एक अरसे से गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात तो कर रही है। आज भी मुसद्दिक मलिक साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो उसमें उन्होंने एक बार फिर कहा है कि बात करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उनका मुतालबा भी दूसरी जानब बजा है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट बात करने की पेशकश करती है तो दूसरी जानब हमारे लोगों को अंदर करी जा रही है, चाहे वो डिजिटल के लोग हैं या दूसरे कारकुनान हैं, तो ये कैसे बनेगी बात? इजहार राय की आज़ादी, दूसरों की इज्जत को पामाल करने की आज़ादी नहीं। लिहाजा ऐसे लोग जो ऐसे कामों में मुलव्वस हैं, जिसकी बड़ी एक तबी मिसाल हमारी बहन जो वज़ीरे इत्तला'आत है पंजाब में, उनके साथ जो वीडियो उनकी रिलीज की गई, जब इस तरह की कभी हरकतें होंगी तो फिर कानून हरकत में आएगा। तो लिहाजा उनका ये कहना कि किसी को पकड़ा जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होंगे और तवातर से हो रहे हैं तो लिहाजा कानून हरकत में आता है। हमें जो उनसे गुफ्तगू है, मैंने आपके प्रोग्राम में गालिबन पहले भी कहा, मैं दोहरा देता हूँ कि पार्लियामान में आवाम के मसाइल हल करने के लिए हम 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं। 11 साल से उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, अगर उनके पास कोई फार्मूला है जिसके जरिए दहशतगर्दी से निपटा जाता है तो हम तैयार हैं। अगर महंगाई के बारे में उनकी कोई सोच ऐसी है जिससे आवाम का भला हो सकता है तो हम तैयार हैं। अगर जमहूरियत को तकवीत देने के लिए, इंतखाबात को बेहतर करने के लिए कोई तजावीज़ हैं, कोई कानून साजी करनी है तो हम उनकी कानून साजी पर बड़ी संजीदगी से गौर करेंगे। लेकिन अगर उनका जो एक ही रागनी है कि पानी चेयरमैन को आज़ादी के लिए कोई NRO दिया जाए तो ये सौदेबाजी तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, मैं NRO पे भी सवाल करना चाहूँगी, लेकिन आई पर्सनली फील लाइक कि ये कंडेम करना चाहिए जो डीप फेक वीडियो अजमा बुखारी साहिबा की सर्कुलेट कर रही है इस वक्त ट्विटर पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। बीइंग अ फीमेल, ये एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या हुआ है और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, जिन लोगों ने ये किया है उस तक पहुंचना भी चाहिए, ताकि कल को कोई भी खातून हमारे इस मुआशरे में इतना अनसेफ फील ना करे या इस तरह के मामला उसके साथ ना हो। और मुझे हैरत उन लोगों पर होती है कि जो बग़ैर तस्दीक किए उसको रीट्वीट पर रीट्वीट किए जा रहे हैं और किसी की इज्जत जो है उसके खिलाफ पूरा प्रोपोगंडा किया जा रहा है, तो ये तो कंडेम। इसी जी यही लोग जो जिन्होंने ये वीडियो रिलीज की है, इससे पहले हमारी एक और बहुत मौजूद बहन है आसपास शराफी साहिबा, उनके साथ अभी हालिया वाकया हुआ है। और मैं आपके नाजिम को याद करा दूं कि 2020 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो खवातीन सहाफियों को और एंकर्स का एक पूरा ग्रुप जाकर उस वक्त कौमी असम्बली की इंसानी हकूक की कमेटी के सामने पेश हुआ था। इसमें कोई जमात का इस्तेस्ना नहीं है, किसी भी जमात के कारकुन ये करेंगे तो उन पर होना चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, ये बयान देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इंस्टीट्यूट है उसको लड़वाने की कोशिश की जा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, आप समझते हैं कि आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं या ये उनकी आपस की पुरानी रंजिश है? जी, मेरी तो गुजारिश है कि तहरीक इंसाफ की जो है ना वो उनका ओपिनियन ऑफ द डे होता है, चंद घंटे के लिए एक राय का इजहार किया जाता है। ये वो जमात है जिसने एक साल पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह किया कि क्या हम गुलाम हैं, क्या हम एब्सोल्युटली नॉट। और फिर जब वही अमरीकी हुकूमत ने उनके हक में अगर कोई बात की तो इन्होंने शादियाने बजाने शुरू कर दी। और जब वो अमरीकी कांग्रेस जो इस वक्त इसराइल की सबसे बड़ी हमायती है, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुआवनत का किरदार अदा कर रही है, जब वो इनके हक में करारदाद देती है तो ये शादियाने बजाने शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये वही जमात है जिन्होंने उस वक्त के चीफ अवामी स्टाफ को कहा था कि ये हमारे बाप, और पहले बाप थे फिर जानवर हो गए, अब फिर गालिबन बाप की तरफ जा रहे हैं। इनकी तो किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप समझते हैं ये जो हवाएं बदली बदली सी हैं कहीं वो नर्म गोशा रख रहे हैं अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए? कोई हवाएं नहीं बदली, ये सिर्फ शोशे छोड़े जाते हैं। अच्छा। और इसलिए ये पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ताकत के मराकज हैं उनमें एक का ये इजाफा हुआ है कि तहरीक इंसाफ जो एक यूनिक जमात है जिसको बैरून मुल्क से लाखों डॉलर हर महीने अवेलेबल है इस गलीज प्रोपेगेंडा के लिए और अपनी मर्जी के जो ट्रेंड्स हैं उनको चलाने के लिए। ज्यादा वो हर रोज नई बात करते हैं, दिसंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, चीफ जस्टिस के चेंज होने से ये हो जाएगा,
हालांकि इन किसी भी चीज की कोई बुनियादी तौर पे और ग्रास रूट्स पे कोई ठीक। हकीकत मौजूद नहीं। अच्छा ये भी फरमाएगा खुद मुस्तंगी साहब, जाहिर है कि आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हुए हैं और आपकी जमात इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट में मौजूद है। अत्ताड़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आर्टिकल 6 की बात की जाती है, पार्टी पर पाबंदी की बात की जाती है, बैन लगाने की बात की जाती है, तो ऐसा एक तासुर मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट बता रही हूँ कि आया है कि शायद कुछ घंटों के बाद ये सारी सूरत हाल पर अमल हो जाएगा, मगर काफ़ी दिन गुजर गए अभी तक कुछ ऐसा एक्शन प्लान सामने नहीं आया है। अत्ताड़ा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इतने जज्बात में आकर, आप समझते हैं कि सिर्फ बातें ही हैं, नून लीग बैकफुट पर चली गई है? मैं तो ये मशवरा वज़ीर-ए-आज़म को दे भी चुका हूँ और फिर बड़े अदब से दूंगा कि सिर्फ उन्हीं इकदामात का ऐलान किया जाए जो आप ले चुके हैं, और खासतौर पे जो बैन करने की बात थी उससे मैंने तो पब्लिकली मैंने कहा था मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। लेकिन आर्टिकल 6 की प्रोसिक्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज तौर पर लिखी हुई है, तो लिहाजा उसमें तो कोई अमर मानी नहीं है। अनदर क्वेश्चन दस्तगीर साहब, इमरान खान साहब का अगर आप थोड़ा से पहले का ही बयान है कि उन्होंने जब कहा था कि जेल में गुफ्तगू की थी साफियों से, तो उन्होंने कहा था अगर मैंने मुजाकरात किए गवर्नमेंट के साथ तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर पीटीआई के लोग ये शायद कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक जो है तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में आने वाली है और उसके बाद दिसंबर में हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी। आप समझते हैं कि जिन पे वो तकिया किए हुए हैं, मैं चलें ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो वाकई उनके ही निकलेंगे? देखिए ना, ये यहाँ फिर आईन कहाँ गया, कानून कहाँ गया, कानून की अमलदारी कहाँ गई। अगर हमने तकियों पर ही इन्हिसार करना है कि कौन किसका किस पर तकिया है, तो ये मामला तो पाकिस्तान में तो अगर हमें चलाना है तो बिल आखिर आईन और कानून पर चलाना है। तो मेरी ये तवक्कु है कि नए चीफ जस्टिस जो है वो भी आईन के उतने ही बड़े मुहाफिज होंगे जितने काजी साहिब ईसा हैं, और मामला को ठहराव से और धीरज से लेकर चलेंगे। और ये जो उनका ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में भी जो 63A का फैसला किया था और अभी जब नशस्तों का फैसला किया है, मेरी बड़े अदब से मेरी राय ये है कि उन्होंने आईन को रोंद कर गुजरे हैं। लेकिन ये हर रोज नहीं हो सकता, और खासतौर पर जहाँ हुकूमत की का इस्तेकाम है, और हुकूमत का इस्तेकाम इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। जिस मुल्क में मुस्तकिल इंतशार रहे वो सही मानों में मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये सारे मामलात जो हैं वो तमाम इदारों के सामने हैं और उसी के मुताबिक फैसले होंगे। तो ये आज की खुशफहमी या आज का प्रोपेगेंडा जो है, हमें उस पर ज्यादा कान नहीं धरने चाहिए। अच्छा मैं दो सवाल हैं, मैं चाहूँगी कि मैं दोनों इंपॉर्टेंट हैं दोनों पूछ लूँ आपसे। एक तो मुझे बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं, इमरान खान साहब का भी ये बयान कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं, इदारे न्यूट्रल नहीं है क्या? ये इदारे न्यूट्रल हैं, और इमरान खान साहब का तो तारीख ही बयान है कि जानवर न्यूट्रल होता है। तो लिहाजा मैं इसलिए कहता हूँ ना, जी इनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि एक एक तरफ कहते हैं कि जी न्यूट्रल हो जाएं, फिर खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि जानवर न्यूट्रल होता है, और खासतौर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ में सबसे ज्यादा जिम्मेदार पोजिशन पर फाइज हैं कि करोड़ों पाकिस्तानी हमारे भाइयों और बहनों की गवर्नेंस की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उनके बयान तो तशद्दुद को और गैर आईनी अमल को और बगावत को हवा देते हैं हर हर बयान उनका। बस उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन नहीं होगा, तो ये उनका फैसला नहीं है, ये वाकई हुकूमत का फैसला है कि ऑपरेशन होगा। और जो इलाका सबसे ज्यादा दहशत गर्दी से मुतासर हो रहा है, जहां हमारे फौजियों की और हमारे खैरी भाइयों और बहनों की जाने जा रही है, वो कहते हैं वहां ऑपरेशन नहीं होगा। तो लिहाजा ये जो गैर जिम्मेदारी है और उनकी जो गुफ्तगू है, मैं फिर कहूंगा हमें उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जो बुनियादी मामलात हैं उन पर हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की क्यादत में अपना काम कर रही है और करती रहे। मैं आपसे एक अवामी सवाल करना चाह रही हूँ आखिर में, वो आईपीपी से मुतालिक है। आप समझते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों ने भी एक अरसा गवर्नमेंट की और आपको पता है कि आईपीपीज़ के खाते में आवाम का कितना पैसा जा रहा है, उसका हासिल वसूल है या नहीं है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप समझते हैं कि टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे इकदाम करे कि आईपीपी को खैरबाद कह दे या कुछ शराइत को चेंज कर लिया जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी भी है? जी, पहली बात तो मैं ये मशवरा दे चुका हूँ, लिहाजा उसको दोहरा देता हूँ हुकूमत को, कि
आईबीपी इसके तमाम मामलात को शफाफियत से कौम के सामने पार्लियामान में रख दिया। अब वक्त का वक्त आ गया, खुलकर बताया जाए कि किसको कितनी पेमेंट हुई है और किसका किस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एक तो शफाफियत आनी चाहिए, नंबर वन। दूसरा ये है कि जो उनसे जो मामलात को दुरुस्त करने में रुकावट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की सॉवरन गारंटीज हैं, जो 1993-94 में भी दी गई, 2005 की पॉलिसी में भी दी गई और फिर 2015 की जो पॉलिसी थी उसके बाद भी दी। तो लिहाजा उनको उनका जो हल है वो सिर्फ पार्लियामान के जरिए कानून साजी है कि कोई ऐसी शर्त मुकर्रर की जाए वक्त की, जिनकी या जिनकी जो गालिब हिस्सा है उनके कर्जे का वो अब अदा हो चुका है, तो उनके साथ हुकूमत जो है वो नए मामला तय कर सकती है। लेकिन उसके लिए पार्लियामान में कानून साजी चाहिए और ये कानून साजी अगर से पेचीदा होगी लेकिन बिल्कुल मुमकिन। आपने ये मिनिस्ट्री भी देखी है, आवाम के लिए इस इकदाम के बाद कोई रिलीफ हो सकता है? जी, आवाम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये है, दो रिलीफ है जो कि एक रिलीफ तो यह है कि बिजली के बिलों से जितने भी इस वक्त गैर उनके ऊपर टैक्सेस ठोसे गए हैं बहुत सारे वो हटा लिए जाएं, मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो अपने टैक्सेस खुद वसूल करें, नंबर वन। एक तो बात ये है, दूसरा ये है कि कम अज कम जो ए आई पी पी की जो पेमेंट्स हैं उनमें से तकरीबन दो तहाई हिस्सा या गालिबन या तो उससे कम जो है वो सरकारी इदारों का है, तो उनकी जो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उनको गारंटी किया गया है उसको हुकूमत, क्योंकि उनके अपने इदारे हैं तो लिहाजा उनके साथ तो फौरी तौर पर ये एग्रीमेंट हो सकता है। और इसका मैंने कहा पार्लियामान में कानून साजी भी हो सकती है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको वो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो नहीं की जाएंगी, तो उनके जरिए वहाँ कुछ कमी आ सकती है। तीसरा जो काम है जो फौरी तौर पर नहीं हो सकता लेकिन उसकी जरूरत है कि हुकूमत ये अनाउंस करे कि जो लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो लेकर आ रहे हैं, और साथ ही जुड़ा हुआ है कि इंशाल्लाह जो इस वक्त दयामीर भाषा और मोहम्मद डैम है, दूसरे डैम है, दासू डैम है, उनको फौरी तौर पर उनकी डेट्स हैं 2027 में मुकम्मल करके ये जो तमाम आईपीपीज हैं इनसे हम वक्त के साथ साथ इस बात का ऐलान कर दें कि किसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा और फिर जाहिर है वो उन कैपेसिटी पेमेंट से हमारी जान इंशाल्लाह अगले 3 से 4 साल में वैसे ही छूट जाएगी। तो फिर हम 3 से 4 साल के बाद, मेरी ये तवक्को है आज हम 2024 में, 2027-28 में इंशाल्लाह अगर हुकूमत अपनी मुस्तैदी से काम करे तो पाकिस्तान के आवाम को बिजली के बिलों में वाज़े रिलीफ दिया जा सके।